जाने वाला था और मैं फ्लाइट में बैठ गया, देखा ठीक है तो दिल्ली की टिकट है, पता नहीं यार फंस गया कैसे हो गया। आज मेरे को पहली बार जीवन में ऐसा है जो मैं बुकिंग करना चाहता था कलकत्ता में और बुकिंग करवाए, पता नहीं क्या कैसे भ्रष्ट हो गया मेरा, मैं दिल्ली में बुकिंग करवा लिया और 4 दिन पहले बुकिंग करवाया। शायद आपने हमें समझाना होगा आपसे मिलने के लिए, इसलिए हुआ मेरे को दिमाग खराब कर दिया, जो कि मैं आऊंगा और मनीष जी से और मनीष जी आपसे जो है मिलूंगा। भारत में देखिए लोगों का नाम ही है ऐसा, केशव गोपाल मनीष नारायण, आजकल तो क्या हो गया पिंकी मिंकी बुल्लू बुल्लू बेकार अनर्थ हो गया। इसलिए जो देश अपना इतिहास स्मरण नहीं करते हैं उसी देश को भविष्य है ही नहीं। अगर आपका आंख जो है उद्देश्य नहीं दिखाई देते हैं तो पेड़ कैसे पहुंच जाएगा। इसलिए मैं आपसे जो पूछता हूँ, दूसरी चीज है समझना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसी वजह से जो है हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं, पश्यन अपि न पश्यति, हम लोग जहाँ भ्रष्ट हो जाते हैं, अंधा यंथं दर्पणीय मानस त्रिपिशत अंतरम उर्दम निबंध, हाँ बंद हो गया हम लोग अंधा, एक अंडा दूसरा अंडा को पकार के दोनों कुओं में गिर जाते हैं, नती भी दुख स्वर्थ हलती। वास्तव में जो है इसी के कारण हम लोग जो हमारा आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर एक आचार्य हैं तो उस बोला उसको शराब पीने से जो है दृष्टि नष्ट हो जाता है, तो दिखाई नहीं देते उसको, पश्य न पीना पश्य और आप उसमें भाग लेते हैं, क्यों आपको टांका मिलता है उसी कागज के कारण जो है। आप चिंता मत कीजिए कागज के लिए, आप कागज के लिए अपना आमा को जो है बेच सकते हैं, अपना स्त्री को बर्बाद कर सकते हैं श्रीमती की, अपना बच्चों को जो है ना इंसेंस कर सकते हैं क्या, मतलब पैसे के कारण। आजकल मेरा मम्मी यूक्रेनियन, मेरा पिताजी रशियन और मैं ना घर का ना घाट का, आप देखिए क्या अब भाई भाई से जो है ना ये झगड़ा खो गया पैसे के कारण और क्या। इसीलिए ये मेरा निवेदन है और आप कौन है अगर मैं पूछूंगा आप कौन है साहिल, कौन है साहिल, इंसान है, इंसान है पक्का। और कुछ परिचय दीजिए तो आप कौन है प्रिंस, वो क्या इंसान है, राजा हूँ, आप कौन है बताइए, आप कौन है ह्यूमन बीइंग। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, हैंड, आर यू हैंड और दिस इज योर हैंड, माई हैंड, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये क्या है, ईयर, माई ईयर, माई नोज, माई हेड, माई लेग, माई बॉडी, एवरी बॉडी इज बॉडी, ये बॉडी का नाम मनीष, मेरा बॉडी पत्रीदास, यूक्रेन मॉडल 1969, पुराना मॉडल, आपका मॉडल फोन किस 89 का, थोड़ा नया मॉडल, तो ये गाड़ी यंत्र आयुधन है, लेकिन आप कौन है। मैं तो मनीष, मर्सिडीज बेंज, यू नो लैम्बोर्गिनी, टेस्ला, ये तो गाड़ी का नाम है, आप ड्राइवर कौन है, इंसान, पता नहीं इंसान नहीं, ये इंसान की बॉडी है, ऐसा 84 लाख प्रकार की गाड़ी है शोरूम में, जितना विस्की जो है एक विस्की नहीं होता है, कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार ये भी बोटल है, उसमें रक्त, खून, मूत्र बहुत सारे भरा हुआ है। इफ आई विल टेल यू, इफ यू विल फाइंड समबडी हु इज मेड आउट ऑफ वाटर, पानी से बना हुआ है, इमेजिन सम बल्ब बबल, नो इट्स यू, 80% वी मेड आउट ऑफ वाटर, चलो चंद्रा लगा दिया बस हो गया उसको बलून, सो दिस बॉडी इज दिस व्हीकल मेड आउट ऑफ वाटर, यूरिन, स्टू एक्सेट्रा, एंड यू थिंक ओह मैं आई यूज टू यूरिन बोन्स यू नो म्यूकस, नो हु आर यू, वो भी मालूम नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या है पता नहीं, मैं कौन हूँ पता नहीं। अगर मैं आऊँगा आप पूछेंगे कौन गुरु जी कौन है, तो बोलो मैं महात्मा गांधी हूँ, समझा महात्मा गांधी। एक आदमी पकड़खाना में आया, बोला तुम कौन है, और एक आदमी बोला मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, जीसस क्राइस्ट किसने बोला, हु टोल्ड यू, गॉड, एंड फ्रॉम अनदर रूम समबडी सेड नो आई नेवर टोल्ड हिम, क्या करें यार, तो पागल लोग हैं। एक आदमी पागलखाना में आ गया और उसमें एक आदमी डिस्चार्ज हो रहा है और वो क्या जवाहरलाल नेहरू था, वो सोचा हॉस्पिटल में देखिए देखते हैं कैसे काम करते हैं, वो जब पहुंच गया हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ही वो आदमी डिस्चार्ज हो रहा है, बोला भाई कैसे हैं आपका नाम क्या है, वो भी पूछते हैं उनसे, अरे भाई आप हॉस्पिटल में आ गया क्या नाम आपका, मैं जवाहरलाल नेहरू, आप चिंता मत कीजिए 6 महीना पहले मैं भी ऐसे सोचा था, ठीक हो जाएगा चिंता मत करो, वो लोग ठीक कर देगा आपको, मैं भी ऐसे सोचा, मैं भी जवाहरलाल नेहरू सोचा जी। इस संसार में शास्त्र कहते हैं नूनम प्रमत्त कुरुते विकारमय इंद्रिय प्रथाय अप्रणुते न साधु मन्ये यत आत्मनोयम क्लिशान अपि क्लिशद आशदेहः नूनत्त कुरुते
प्रमत्त कुल के प्रकृष्ट रूप में मत्त, मत्त मतलब पागल। वहाँ हम लोग पागल तो हो चुका है और इससे पीने से भी और ज़्यादा पागल हो जाता है, लोग पागल से पागल ऊपर कर देते हैं और हम लोग उसको प्रमोशन करते हैं, उसको कहते हैं अंधा, अंधा अंथम दरूपनियम। और उससे जो है हम लोग सत्य भूल जाते हैं, असत्य रे सत्य प्रेमन, जो सत्य नहीं है उसको सच सत्य समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और सत्य आधा कभी नहीं होता है, जैसे स्त्री आधा गर्भवती नहीं होता है, जैसे पुरुष आधा मूर्द नहीं होता है, उसी प्रकार सत्य आधा नहीं होता है। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सत्य है, आप स्वीकार करो या न मत करो। हाँ हाँ गुरु जी ठीक है, लेकिन क्या करें भाई, अभी तो क्या करे राम जी, मेरे को बुद्ध मिल गया, सब लोग फूल दे दिया, मेरे को गोभी लेके आ गया, क्या करे राम जी, आप जो भी कुछ करें, लेकिन मैं सत्य बता दिया। और कृष्ण अर्जुन को बता दिया, अर्जुन देखो तुम किस साइड में है, उधर इधर, मैं आपको बोला आप जो है यत इच्छाशीलता करो, आप बोलो जो करना करो, जो करना करो। तब अर्जुन ने बोला प्रभु मैं समझ गया, मैं बेवकूफ था, धनुष फिर पकड़ लिया, करिष्ये वचनं तव, क्योंकि अगर मैं आपका वचन नहीं पालन करूँगा तो कभी सुख नहीं मिलेगा जीवन में और पराम गति में कभी नहीं पहुँच सकते। मैं गलत टिकट ले लिया, मेरे को सच मेरे को तक्षी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा पास नृसिंह भगवान का उद्घाटन बड़ा बड़ा मंदिर ओपनिंग होता है, मेरा बड़ा बड़ा जीबीसी मीटिंग हो रहा है, मेरे को आज उधर घूमना उपस्थित है, गलती से जो है टिकट ले लिया, छोटा सा मिस्टेक। ये सब गाड़ी में जो है जीपीएस लगा, गलत लगा दिया, जीपीएस में होता है जीपीएस लगा दिया और बोलते हैं 500 मीटर के बाद टर्न लेफ्ट, आपको गाइड करते हैं ना, तो अगर थोड़ा गलत एड्रेस लगा दिया तो गलत पहुँच जाएंगे, राइट, थोड़ा सा गलत वन नेम, एंड रीच दिल्ली। अभी मेरे को जल्दी दौड़ना पड़ेगा, अभी टिकट खरीदना पड़ेगा उसको, कलकत्ता पहुँचना। उसी प्रकार वी हैव जीपीएस मीन्स गुरु परंपरा सिस्टम, गुरु परंपरा सिस्टम, जो गुरु बोलते हैं ना, तो ये शास्त्र बोलते हैं गुरु साधु शास्त्र। अगर शास्त्र पालन नहीं करेंगे वो भी भारतीय लोग, क्या होगा भारतीय लोग, तो क्या न शस्त्र विधि वर्तते काम करता है, नशा से भी न सुख न परम गति, कृष्ण जी के बोले। इसलिए मैं आपको विश करता हूँ इस्कॉन मंदिर में जरूर आना और ये हमारे मीटिंग जरूर, कोई ना कोई भगवान तो भेज दिया मेरे को।